नमस्कार, न्यूज फोकस में हूं अर्पिता पंडे आपनो स्वागत करू छू। शुरुआत करिए मुख्य समाचार थी। राजकोटना पाणीनी तंगीवाळा जसदण पंथकने मळशे नर्मदाना नीर। आंकड़िया डेम में आवेला नर्मदाना पाणीना वधामणा अने सौनी योजना लिंक चार हेठळनी 1667 करोड़नी लीमड़ी भोगाओ सरतान पर पाइपलाइननुं लोकार्पण करता मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। सौराष्ट्रना खूणे खूणे नर्मदाना पाणी पहोंचाड़वानी व्यक्त करी प्रतिबद्धता। मोदी सरकार की 3 वर्ष की सिद्धिओं ने उजागर करता मोदी फेस्ट अमदावाद वडोदरा सूरत में आयोजन। अमदावाद कार्यक्रम में सरकार तमाम वर्ग दरकार करती होता केन्द्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद। आर्थिक मोर्चे पर सरकार की कामगिरी प्रशंसनीय। नीति आयोग द्वारा अमदावाद में प्लानिंग मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट अंगे राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजन। विविध राज्यों में सचिवों तथा उच्च अधिकारियों पोतपोता राज्यों की योजनाओं ने एक ज डेटा सिस्टम हेठ लावा चिंतन। अमदावाद में 25 जूने निकलनारी भगवान जगन्नाथ जी की 140मी रथयात्रा निमित्ते आज रंगे चंगे योजाई जलयात्रा। 108 कलशों में गंगा जल थी महाभिषेक करी भगवान ने गजवेश थी शणगारी मोकलाया मौसार। रथयात्रा सुधी भगवान जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम बिराजशे सरसपुर खाते मौसार में। गुजरात भर में छूटा छवाया वरसाद दौर आज रो चालू। दक्षिण गुजरात वलसाड वापी उपरांत सौराष्ट्र पोरबंदर गीर सोमनाथ भावनगर तथा कच्छ और मध्य गुजरात में खेड़ा आणंद में आज मेघराजा की मेहर। अंडर 19 प्रधानमंत्री ऊर्जा फुटबॉल टूर्नामेंट हेठ अमदावाद में योजाये प्रथम मैच में अंडमान निकोबार सामे महाराष्ट्र की बॉयज टीम एक गोल थी विजय तो गर्ल्स मैच में दमण ने 2-1 थी पछाड़ी गुजराते कर्यो विजयी आरंभ। कजाकिस्तान अस्ताना खाते मेल शांघाई सहकार संगठन सम्मेलन में एससीओ पूर्ण सभ्यपद सभ्य देशों आभार मानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आतंकवाद मुकाबलो साथ मिलने करवा हाकल चीन राष्ट्रपति जिनपिंग साथ योजी द्विपक्षीय बैठक। सुप्रीम कोर्टे इन्कमटैक्स रिटर्न भरवा पेन और आधार कार्ड जोड़ाण अनिवार्यता पर लगावी आंशिक रोक। वगर आधार कार्डे पण लोको भरी शकशे इनकम टैक्स रिटर्न पण आधार कार्ड धारकोए जोड़ाण करवू पड़शे पान कार्ड साथे। समाचार विगतवार जोईए। अस्ताना खाते शांघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भारत देश ने पूर्ण सभ्यपद मळता एससीओ बधा सभ्य देशों आभार मानता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जणाव्युं हतुं के एससीओ में भारत देश सामेल थवाथी एससीओ विकास ने एक नवी गति मळशे। तमाम देशों साथे भारत संबंधों ऐतिहासिक रह्या छे त्यारे परस्पर विश्वास और सद्भावना ज अमारी राजनैतिक तथा आर्थिक सहयोग की मुख्य आधारशिला छे। मानव मूल्यों आतंकवाद सौथी मोटो दुश्मन छे त्यारे आतंकवाद सामनो करवामां एससीओ नो साथ अति आवश्यक बनी रहेशे। एससीओ ना सभ्यो वच्चे कनेक्टिविटी ए भारत नी प्राथमिकता छे त्यारे एससीओ मां पूर्ण सदस्यता मळता ए आपणा सहयोग ने नवी ऊंचाईए लई जशे। आतंकवाद मानव अधिकारों तथा मानव मूल्यों के सबसे बड़े उल्लंघनकारियों में से एक है। अतः आतंकवाद तथा अतिवाद के खिलाफ संघर्ष एससीओ के सहयोग का अहम भाग है। मुद्दा चाहे रेडिकलाइजेशन का हो, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट का, उनकी ट्रेनिंग का अथवा फाइनेंसिंग का, जब तक हम सभी देश मिलकर इस दिशा में कोऑर्डिनेटेड तथा सशक्त एफर्ट्स नहीं करेंगे तब तक इन समस्याओं का समाधान असंभव है। इस संदर्भ में एससीओ द्वारा किए गए सुदृढ़ प्रयास अत्यंत सराहनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत एससीओ सहयोग आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को एक नई दिशा तथा शक्ति प्रदान करेगा। अगाउ प्रधानमंत्रीए चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ द्विपक्षीय बैठक योजी भारत ने पूर्ण सभ्यपद मळता चीन आभार मानता जणाव्युं हतुं के बन्ने देशों युवानों पोताना भविष्य प्रत्ये आशावादी वलण धरावे छे। प्रधानमंत्री मोदी पोतानी कजाकिस्तान मुलाकातना अंतिम चरण में अस्ताना खाते योजायेल एक्सपो 2017 में हाजरी आपी रह्या छे। आ कार्यक्रम आरंभ मल्टी लाइट शो साथ थयो छे।
इनकम टैक्स रिटर्न भरवा आधार कार्ड ने पान कार्ड साथ जोड़ाण करवा पर आंशिक रोक लगावतो चुकादो आपता सुप्रीम कोर्टे जणाव्युं हतुं के आधार कार्ड वगरना पान कार्ड धारको पण हवे इनकम टैक्स रिटर्न भरी शकशे, परंतु जे व्यक्ति पासे आधार कार्ड होय तेणे पान कार्ड साथ जोड़ाण करवू पड़शे, पण जे व्यक्ति पासे आधार कार्ड न होय तेणे पान कार्ड साथ जोड़ाण करवा दबाण न करी शकाय। सुप्रीम कोर्टे इनकम टैक्स की कलम 139 ए ने मान्य गणावता जणाव्युं हतुं के आधार कार्ड साथ जोड़ाण न करायेला पान कार्ड ने सरकार रद्द बातल न करी शके। ब्रिटेन की चूंटणी में कंजर्वेटिव पार्टी ना थेरेसा मे ने बहुमती न मळता त्रिशंकु परिणाम सामे आव्या छे। 650 मांथी 647 बैठकों परिणाम जाहिर थया छे, जेमां कंजर्वेटिव पार्टीए 316 बैठकों जीती होवाथी सौथी मोटी पार्टी तरीके उभरी आवी छे, पण 326 बैठकों विजय लक्ष्य मेळवामां निष्फळ निवडी छे। पण थेरेसा मेए साउथ ईस्ट इंग्लेंड में पोतानी सीट पर 37,780 वोट साथ जीत मेळवी छे, जो कि आ रेस में भारतीय मूळना 15 उम्मीदवारोए पण जीत मेळवीने इतिहास सर्जो छे, जेमां लेबर पार्टीना शीख महिला प्रीत कौर गिल अने पागड़ीधारी तनमन सिंह चूंटाई आव्या छे। राजकोटना जसदण खाते सौनी योजना लिंक 4 अंतर्गत 1,667 करोड़ खर्चे नंखायेल लींबड़ी भोगाओ बे जलाशय थी सरतनपर सुधीना पाइपलाइन मुख्यमंत्री विजयभाई रूपाणी द्वारा लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। एमणे आंकड़िया डेम में आवेला नर्मदाना नीरना वधामणा कर्या हता। एमणे जणाव्युं के सौनी योजना हेठळ 21 डेम, 48 तळाव अने 174 चेक डेम नर्मदाना पाणीथी भराई चूक्या छे अने हजु बीजा 6,500 करोड़ कामों ने मंजूरी आपी देवाई छे। आ प्रसंगे नर्मदा विरोधी अभियान चलावनार मीधा पाटकर सहित लोग पर मुख्यमंत्रीए आकरा प्रहार करता जणाव्युं के नर्मदा डेमनी कामगीरी अंतिम तबक्का में है, त्यारे आवा लोको डेमनी कामगीरी में अवरोधो उभा करी रह्या छे। आ उपरांत मुख्यमंत्रीए कांग्रेस पर पण निशान साधता कह्युं हतुं के कांग्रेस कहती हती के नर्मदा पाइपलाइन में हवा आवशे, परंतु आजे पाइपलाइन में पाणी आवी रह्युं छे, जेथी सरकारे आपेल वचन आजे पूर्ण करी बतावी छे। એકપણ ભ્રષ્ટાચારના આરોપ વગર વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં કેન્દ્ર સરકારે સુશાસનના 3 વર્ષ પૂરા કર્યા છે, તેમ કેન્દ્રીય કાયદામંત્રી રવિશંકર પ્રસાદે જણાવ્યું હતું। તેમણે કહ્યું હતું કે નીતિગત પ્રણાલીથી ચાલતી કેન્દ્ર સરકારના શાસનમાં અર્થવ્યવસ્થામાં સુધારો થયો છે અને ટેક્સ કલેક્શનમાં લગભગ બમણી આવક કરી છે। ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસમાં પણ ભારતની સ્થિતિ સુધરીને 142થી 130ના ક્રમાંક પર આવી ગઈ છે, તેમજ દુનિયાનું સૌથી વધુ 65 બિલિયન ડોલર મૂડીરોકાણ ભારતમાં આવ્યું છે। देश में खेडूतों की स्तुति सुधरे ते माटे सरकार चौक्कस नीति द्वारा पगला भरी रही है, तेम पण मंत्रीश्रीए जणाव्युं हतुं। की बात की, टैक्स कलेक्शन नियरली डबल का ग्रोथ रेट 9.8 टू 17.5 नियरली डबल। तो भारत में अधिक व्यापार हो रहा है, अधिक पूंजी निवेश हो रहा है, अधिक लोग कमा रहे हैं, अधिक लोग टैक्स दे रहे हैं। ये इकोनॉमी के ग्रोथ का एक दूसरा इंडिकेशन। आपको मालूम है कि भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 142 से 130 आ गया, 12 सिस्टम रैंक किया, एफडीआई को हम लोगों ने ईज किया, ईमानदारी से फैसले किए। आपने देखा होगा वो बेनामी संपत्ति का कानून इतने दिन से बना था, उसको इंप्लीमेंट नहीं, नोटिफिकेशन नहीं होता, वो किया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को टफ किया। तो आज भारत में ईमानदारी से पूंजी निवेश हो रहा है, ईमानदारी से टैक्स दिया जा रहा है। देश बदलाव के कगार पर है, इंडिया इज द कस्प ऑफ बिग चेंज।
मोदी सरकार की सफलता त्रण वर्ष की उजवणी माटे अमदावाद आवेला केन्द्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसादे कोबा खाते भाजप प्रदेश कार्यालय की मुलाकात लीधी थी। प्रदेश भाजपा अग्रणीए केन्द्रीय मंत्री केसरियो खेस पहरा स्वागत कर श्री रविशंकर प्रसादे बैठक योजी गुजरात प्रदेश अग्रणी साथ आगामी 2017 में योजना विधानसभा की चूंटी संदर्भे पक्ष की स्थिति अंगे चर्चा कर रणनीति अंगे चर्चा विचारणा की। आ प्रसंगे गुजरात प्रदेश संगठन महामंत्री भीखूभा दलसाणिया और प्रदेश प्रवक्ता भरतभाई पंड्या सहित अग्रणी खास उपस्थित रहा था। मोदी सरकार की त्रण वर्ष की सिद्धिओ साथ सौनो साथ सौनो विकास सूत्र ने सार्थक करता मोदी फेस्ट कार्यक्रम योजाई रहा है। अमदावाद में आज कांकरिया खाते त्रण दिवस चालनारा मोदी फेस्ट कार्यक्रम प्रारंभ केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसादे कराव्यो हतो। आ प्रसंगे सरकार की जुदी जुदी योजनाओं अंतर्गत लाभार्थी ने स्मार्टफोन महिलाओं ने गैस किट वितरण सर्टिफिकेट एनायत कराया था। तेमणे कार्यकरों ने संबोधता जणाव्युं हतुं के सरकार तमाम वर्गना लोकोने साथे लईने चालवा मांगे छे। तेमणे गरीबलक्षी योजनाओनी माहिती सरकारे विदेश में फसायेला लोकोनी मदद वगैरे उदाहरणों द्वारा सरकारनी कार्यप्रणालीनी प्रशंसा करी हती। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर किरीट सोलंकी शहर प्रमुख जगदीश पंचाल तेमज धारासभ्यो अने कोर्पोरेटरो हाजर रह्या हता। हमारी सरकार ने कहा था, मोदी जी ने कहा था 14 में हम गरीबों के लिए काम करेंगे। अभी आपने देखा माताओं को हमने गैस का चूल्हा दिया, क्यों दिया? मोदी जी ने कहा कि महिलाएं भूखती हैं तो आंख में कालिक जाती है, क्या कर सकते हैं, सबको गैस देंगे। लेकिन गैस के लिए बहुत से अमीर लोग सब्सिडी लिया करते थे, मोदी जी ने कहा जो संपन्न है वो सब्सिडी अपने आप छोड़ दें। 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया, 1 करोड़ लोगों ने अपने आप का हमारा हिस्सा गरीबों को दीजिए। आज 2 करोड़ माताओं को मिला है, बहनों को मिला है, आगे 3 करोड़ और मिलेगा। हमने जो डॉक्टर साहब बता रहे थे 28 करोड़ जनधन अकाउंट खोला, उसको मोबाइल से जोड़ दिया, आधार से जोड़ दिया और सीधा गरीब के बैंक अकाउंट में उसका मनरेगा का पैसा, राशन का पैसा, गैस का पैसा, सब्सिडी का पैसा भेजना शुरू किया। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे गरीब का पैसा। कैसे आपको मालूम है ना, बेटी पैदा हुई नहीं, बेटी बड़ी भी हो गई, विधवा भी हो गई और विधवा पेंशन मिलता था, आपको मालूम है ना। अब सीधा गरीब के अकाउंट में उसका हिस्सा जाता है और कोई बिचौलिया उसको नहीं खाता है। वडोदरा खाते मोदी सरकार ना 3 वर्ष की सिद्धि ने दर्शावनारा मोदी फेस्ट कार्यक्रम नो केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया उद्घाटन कर्यु हतु। आंगे माहिती आपता केंद्रीय मंत्रीए जणाव्यु हतु के मोदी सरकार ना 3 वर्ष पूर्ण थता प्रधानमंत्रीए करेला विकास कार्यो अने न्यू इंडिया नो कंसेप्ट ने जनमानस सुधी पहोंचाडवा समग्र देश में सौनो साथ सौनो विकास सम्मेलन और मोदी फेस्ट कार्यक्रम योजवामां आवी रह्या छे, जेमां नवा भारत ना निर्माण कार्य में 3 वर्ष में मोदी सरकारे करेला कार्यो ने लोकोनो पण बहोळो प्रतिसाद सांपड़ी रह्यो छे। महत्वनुं छे के जीएसटी कायदो अने विमुद्रीकरण जेवा सरकारे लीधेला निर्णयो देशनी आजादी पछी सौथी मोटी आर्थिक सुधारणा छे, तेमज विमुद्रीकरणना आधारे डिजिटल व्यवहार वधता करदाताओ वध्या छे। भविष्यमां देशनुं प्लान बजेट 7 થી 7.5 લાખ કરોડ छे, ते 15 થી 20 લાખ કરોડ सुधी पहोंचे तेवा रोडमेपने साकार करवा अत्यारथी कामगीरी चाली रही छे। ऑलराउंडर तरीके नो देखाव नहीं मात्र अमे कहीए परंतु अनेक आर्टिकल, अनेक टीवी डिबेट्स, मीडिया सोशल मीडिया ना माध्यम थी जी रीते ऑलराउंडर तरीके नो देखाव बन्यो ए बात ने जनता सुधी लई जवा माटे, 3 વર્ષના વિકાસ કાર્યોને જનતા સુધી લઈ જવા માટે, ભવિષ્યની અંદર દેશ બદલ રહ્યા, દેશ આગળ વધ રહ્યા, કઈ રીતે દેશ આગળ વધવાનો છે, ન્યૂ ઇન્ડિયાનો કન્સેપ્ટ શું છે એ જનતા વચ્ચે ઉજાગર કરવાના હેતુથી સમગ્ર દેશની અંદર આ પ્રકારના કાર્યક્રમો ચાલી રહ્યા છે।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगेवानी में केन्द्र की सरकार ने पूर्ण थे त्रण वर्ष संदर्भे सूरत में मोदी फेस्ट आयोजन करायु। आ प्रसंगे राज्यकक्षा केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालाए जु कि दरेक मोर्चे सरकार पारदर्शी शासन आप खेडूत की आर्थिक स्थिति सुधार केन्द्र और राज्य सरकार अनेक पगला लई रही है। आज किसान में वो आशा जगी है कि भारत सरकार की ओर से हमारी जमीन की प्रत का निदान हो रहा है, हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, हमारी किसानी हमारी खेती लो कॉस्ट से कैसे हम खेती कर सके इसका मार्गदर्शन मिल रहा है। इनको ऋण लेने के लिए अब तक के हमारे फाइनेंशियल बजट जितने होते थे इसमें से सबसे बड़ी राशि 10 लाख करोड़ इस वर्ष के बजट में हमारी सरकार ने इनके लिए प्रावधान किया है। गुजरात को मैं बताते हुए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि पहले किसानों को 12 से 15% पर ऋण मिलता था, आज गुजरात सरकार और भारत सरकार की वजह से गुजरात के किसानों को 1% से ऋण मिलता है 3 लाख तक का। ये सारी सुविधाएं भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर किसानों के लिए कर रही है। अमदावाद खाते नीति आयोग नवी दिल्ली द्वारा गुजरात सरकार और यूएनडीपी सहयोग थी प्लानिंग मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट अंगे राष्ट्रीय कक्षा वर्कशॉप योजाई गयो। वर्कशॉप में नीति आयोग उच्च अधिकारी विविध राज्य सचिवों अग्र सचिव कक्षा अधिकारी उपस्थित रही देश विभिन्न राज्य अलग अलग विभागों की महिति पृथककरण कर एक सीस्टम हेठ ला सहियारा प्रयासों कर भार मुको। उद्घाटन समारंभ में राज्य चूंटी कमिश्नरे गुजरात मॉडल की महिति आपता जु के बायसेक ना सहयोग थी जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम आधारित नक्शाओ प्रवर्तमान सीमा निर्धारण माटे वपराय छे। हाल देशभरना राज्यों में अनेकविध योजनाओं अमल थतो होय त्यारे एक ज डेटा सिस्टम हेठळ माहिती लावी सहियारा प्रयासों थी प्रणालीबद्ध थवाना अभ्यास माटे आ वर्कशॉपनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं तेम भारतना नीति आयोगना जॉइंट सेक्रेटरी विक्रम सिंह गौरे जणाव्युं हतुं कि जो विभिन्न राज्य है सभी राज्यों में जीआईएस बेस्ड प्लानिंग हो रही है, कहीं पे एक विभाग में हो रही है, कहीं पे दो विभाग में हो रही है, कहीं पे तीन विभाग में हो रही है। तो इसका उद्देश्य यह है कि भाई अलग अलग विभागवार सब अपनी प्लानिंग जीआईएस बेस्ड प्लानिंग बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए और उसको करें। उसके बदले बेहतर है कि एक आप सॉफ्टवेयर बनाए, एक संस्था को आप काम दे दें जिसमें सारे विभाग का डेटा एकत्रित हो जाए और सारे विभाग उसी डेटा और उसी सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने विभागीय कार्य योजनाओं को प्लान करें और जो भी उनको पैसा उपलब्ध होता है उस पैसे से उन योजनाओं को क्रियान्वित करें ताकि कम पैसे में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके, यही उद्देश्य है इस योजना का। रोज अमदावाद राजमार्गो पर निकलती भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा की तड़ामार तैयारी वच्चे आज भगवान की जलयात्रा वाजते गाजते निकली थी। दर वर्षे रथयात्रा पूर्वे एटले के जेठ सुद पूनम रोज भगवान जगन्नाथ जी की पारंपरिक जलयात्रा निकले है, जेना भागरूपे आज सवारे भगवान जगन्नाथ मंदिरे थी जलयात्रा साबरमती सोमनाथ भूदर किनारे जवा रवाना थी। जलयात्रा में गजराज की आगेवानी में ध्वज पताका 108 पारंपरिक कलश का छत्र साथ महंत दिलीप दास जी और नायब मुख्यमंत्री नीतिनभाइ पटेल की उपस्थिति में साबरमती सोमनाथ भूदर किनारे वेदोक्त मंत्रोच्चार साथ 108 कलश में जलपूजा करवामां आवी हती। त्यारबाद कलशों ने मंदिर में लावी जगन्नाथ जी की सोशोपचार पूजन विधि करी महाजलाभिषेक करायो हतो। जलाभिषेक बाद भगवान जगन्नाथ जी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जी गजवेश शणगार कराया था। महत्वनुं छे कि हवे 15 दिवस सुधी भगवान पोताना मोसाळमां रोकाण करशे। भगवान तेमना मामाना घरे सरसपुर खाते मेहमान बनता जगन्नाथ मंदिर में 15 दिवस सुधी विग्रह रहेशे अने भगवानना दर्शन नहीं थई शके। प्रति वर्ष मुजब भगवान जगन्नाथ जी ने 140वीं रथयात्रा पूर्वे भगवान जगन्नाथ जी जलयात्रा महोत्सव भगवान जगन्नाथ जी मंदिर कर्णावती महानगरे थतो रह्यो छे। परंपरा प्रमाणे आजे खूब
રાજ્યમાં ચોમાસુ બારણે દસ્તક આપી રહ્યું હોય તેમ દક્ષિણ ગુજરાત મધ્ય ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રમાં મેઘાનું ધમાકેદાર આગમન થયું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના વલસાડમાં 2 ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબકતા નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. આ ઉપરાંત વાપી, નવસારી અને સુરત સહિતના વિસ્તારોમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાતા વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી હતી. સૌરાષ્ટ્રના રાજુલામાં 2 ઇંચ, અમરેલી સહિતના વિસ્તારોમાં 1 થી 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસતા કાળઝાળ ગરમીમાંથી પ્રજાજનોએ રાહત અનુભવી હતી. કચ્છ જિલ્લામાં પણ મેઘરાજા મહેરબાન થયા હતા. આ સિવાય રાજકોટ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ અને જામનગરમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડ્યા હતા. મધ્ય ગુજરાતના આણંદ, બોડલીમાં 2 ઇંચ, જ્યારે દાહોદમાં 1.5 ઇંચ વરસાદ વરસતા જગતના તાત સહિત પ્રજાજનોમાં ખુશીની લહેર ફરી વળી હતી. મહત્વનું છે કે અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલા અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને પગલે કેરળના કેટલાક વિસ્તારમાં અટવાઈ ગયેલું ચોમાસુ ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે, જેને પગલે સમગ્ર રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. આ વર્ષે ભારતમાં ફીફા અંડર 19 વર્લ્ડ કપ યોજાવાનો છે, ત્યારે ભારતમાં યુવાનો ફૂટબોલમાં આકર્ષાય અને ભાગ લે તે માટે અંડર 19 ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ એટલે કે ઉર્જા 2017નું આયોજન થયું છે, જેની પહેલી ફૂટબોલ મેચ આજે અમદાવાદમાં ડિવાઇન ચાઇલ્ડ સ્કૂલમાં મહારાષ્ટ્ર અને અંદમાન નિકોબાર વચ્ચે યોજાઈ હતી. 90 મિનિટ સુધી રમાયેલી મેચમાં બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થયો હતો. તેમાં મહારાષ્ટ્રએ 3 ગોલ કર્યા હતા, જ્યારે અંદમાન નિકોબારે 2 ગોલ કરતા મહારાષ્ટ્રનો વિજય થયો હતો. મહારાષ્ટ્રના કેપ્ટન આશિષ સાવટીએ જણાવ્યું હતું કે ટીમ વર્કથી અમે મેચ જીત્યા છે અને ફાઇનલમાં જીતવું એ અમારું લક્ષ્ય છે. તો અંદમાન નિકોબારના કેપ્ટને આગામી મેચ જીતવી જરૂરી ગણાવી હતી. आज हमारा मैच अंडमान निकोबार के साथ था. हम 3-2 से जीत गए. मैच का सिचुएशन हार्ड था तो फाइनली हम तो जीत गए. बट मैच में हमारा अटैकिंग ज़्यादा हुआ, बट गोल कन्वर्टिंग थोड़ा कम हुआ. बट अंडमान निकोबार भी अच्छे खेले और महाराष्ट्र टीम भी अच्छे खेले. फाइनली वी वन. इस तरह कभी हुआ नहीं है कि इस तरह सेलेक्शन करके बाहर लेके जाना, ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो फर्स्ट टाइम है और हम लोग इतना अभी अंडमान से आया है. अभी कोलकाता में BSF के अंडर में हम लोग प्रैक्टिस करा, फिर वहाँ से फिर यहाँ आया. तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को ये फुटबॉल. इस तरह ऊर्जा टूर्नामेंट हर साल होना चाहिए. मैच बहुत इंटरेस्टिंग थी और हमें बहुत मजा आई मैच देखने में, एंड वी रियली एंजॉयड इट. તો આ બાજુ છોકરીઓની આજની મેચમાં ગુજરાતે દમણને 2-1થી હરાવી દઈ વિજયી શરૂઆત કરી છે. પ્રથમ ગોલ દમણની ટીમે મેચની 7મી મિનિટે કર્યો હતો, પરંતુ બાદમાં ગુજરાતના ખેલાડીઓએ હાવી થઈ ગયા હતા અને એમણે 55મી મિનિટે અને ત્યારબાદ મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં એમ 2 ગોલ ફટકારતા ગુજરાતની ટીમનો વિજય થયો હતો. તીર્થસ્થળ દ્વારકા ખાતે કૃષિ અને ઉર્જા મંત્રી ચિમનભાઈ સાપરિયાએ PGVCL IPDS યોજના હેઠળ વીજ લાઇનોને અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલમાં રૂપાંતરિત કરવાના કામનો શુભારંભ કરાવ્યો હતો. આ યોજના હેઠળ શહેરમાં 48 કિલોમીટર સુધી વીજ લાઇન પાથરવામાં આવશે, જેથી આશરે 13,000 ઘરો વીજળીથી ઝળહળી ઉઠશે અને વરસતા વરસાદે પણ વીજ પુરવઠો ખોરવાશે નહીં. આ અંગે માહિતી આપતા કૃષિ અને ઉર્જા મંત્રી ચિમનભાઈ સાપરિયાએ જણાવ્યું હતું કે દ્વારકા શહેરમાં વારંવાર વીજ પુરવઠો ખોરવવાની તથા વીજવાયરો તૂટવા સહિતના અકસ્માતો નિવારવા IPDS યોજના હેઠળ પ્રથમ ફેઝમાં 18 કરોડનો વીજળી કરાર કરાશે, તેમજ કુલ 30 કરોડના અંદાજિત પ્રોજેક્ટ હાથ ધરીને સ્માર્ટ સિટીમાં પસંદગી પામેલ દ્વારકાને દરેક મોરચે સ્માર્ટ બનાવવામાં આવશે. આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં PGVCL સહિતના અગ્રણીઓ અને સ્થાનિકો હાજર રહ્યા હતા. પુરવઠો નિયમિત મળશે. શહેરની અંદર જે ઇલેક્ટ્રિક પોલની ટ્રાફિક સમસ્યા, વારંવાર વીજવાયર તૂટવા, આમાંથી પણ સમગ્ર શહેરને મુક્તિ મળશે અને દ્વારકા આપણું પવિત્ર શહેર જ્યારે સ્માર્ટ સિટી તરીકે પસંદ થયું છે ત્યારે ઉર્જા ક્ષેત્રે પણ દરેક બાબતમાં સ્માર્ટ રીતે કામ થાય એ મુજબ અમારા વિભાગ દ્વારા આપ સૌની ઉપસ્થિતિની અંદર ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું છે. ઘણો બધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થયો છે, જેનાથી તાર તૂટીને પડતો અકસ્માત થતા હતા તે નિવારણ થયું છે. અને જે લાઇટ વારંવાર જતી હતી તાર તૂટવાથી પ્રોબ્લેમ થતા હતા તેનું નિવારણ થયું છે. અને દર્શક મિત્રો, હવે જોઈએ સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રેન્ડ થયેલા કેટલાક સમાચારોનો અમારો ખાસ રિપોર્ટ સોશિયલ કનેક્ટ. We'll be right back.
કેન્દ્રીય કાયદા મંત્રી રવિશંકર પ્રસાદ ગુજરાતની મુલાકાતે છે ત્યારે ગઈકાલે તેમણે શામળાજી ખાતે આવેલા ગદાધર શ્રી કૃષ્ણના દર્શન કર્યા હતા તેમની સાથે જિલ્લા કલેક્ટર અને સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના સાંસદ પણ હાજર રહ્યા હતા ત્યારબાદ તેમણે મોડાસામાં સ્વચ્છતા અભિયાન પણ હાથ ધર્યું હતું સ્વચ્છતા અભિયાનમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપના કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા રવિશંકર પ્રસાદે અરવલ્લી જિલ્લાની મુલાકાતના ફોટોગ્રાફ્સ તેમના ટ્વિટર પર શેર કર્યા છે કેન્દ્ર સરકારની ઉજ્જવલા યોજનાથી ચૂલા પર રાંધતી મહિલા માટે અચ્છી રીતે શરૂઆત થઈ કેન્દ્ર સરકારની આ યોજનાથી મહિલાઓને ચૂલા પર રાંધવામાંથી મુક્તિ મળી છે ઓડિશાના સુભદ્રા સાહુને પણ કેન્દ્ર સરકારની ઉજ્જવલા યોજનાનો લાભ મળ્યો અને ગેસ જોડાણ મળતા ખુશી વ્યક્ત કરી છે માય જીઓવીએ ખાસ શોર્ટ ફિલ્મ ટ્વિટર પર શેર કરી છે વેસ્ટર્ન રેલવેના અધિકૃત ટ્વિટર હેન્ડલથી એક રિપોર્ટ ટાંકતા માહિતી અપાઈ છે કે ભારતીય રેલવેના અધિકૃત ટ્વિટર હેન્ડલ પર દરરોજ 300 ફરિયાદોનું નિવારણ કરવામાં આવે છે રેલવે મંત્રી સુરેશ પ્રભુએ આ માહિતીને રીટ્વીટ કરી ખુશી વ્યક્ત કરી છે તેમજ સૂચના પ્રસારણ રાજ્યમંત્રી રાજ્યવર્ધનસિંહ રાઠોડે ટ્વીટ કરી રેલ મંત્રાલયની આ કામગીરીની સરાહના કરી છે રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જીએ મોબાઈલ એપ સેલ્ફી વિથ ડોટર લોન્ચ કરી છે નવી દિલ્હી ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં મોબાઈલ એપને લોન્ચ કરવામાં આવી આ જાણકારી પીઆઈબીએ તેના ટ્વિટર હેન્ડલ પર શેર કરી છે શલભાસનના લાભ અને અભ્યાસનો વિડિયો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કર્યો છે શલભ અર્થ પતંગા યા ટિડ્ડા પેટ કે બલ લેટ જાય ટાંગે આપસ મે જોડ લે થોડી કો ભૂમિ પર રખે दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें, अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं, जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। सोशल मीडिया डेस्क से अंकित चौहान रिपोर्ट दूरदर्शन समाचार अहमदाबाद તો આ સાથે ન્યૂઝ ફોકસ અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ નમસ્કાર શુભરાત્રી